स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। जिसमें आज हम आप सभी के लिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें हमारी बुक चल रही है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, बायो टेक्निक्स, जिसमें कि हम यूनिट 6 डिस्कस कर रहे थे सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें कि हमने लास्ट वीडियो में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी की बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। सबसे पहले टॉपिक नोट डाउन कर लीजिए। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी इस टेक्निक में जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में स्पेसिमेंस के मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन होता है स्पेसिमेंस के फॉर्म में, जो भी सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट होता है उसके मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन इस टेक्निक में किस आधार पर करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर करते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर, जैसे कि जिसका कम होगा उसे अलग श्रेणी में रखेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा उसे अलग श्रेणी में रखेंगे, उस हिसाब से इसमें मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन किया जाता है। सो आप सभी नोट डाउन कीजिए, इस टेक्निक में स्पेसिमेंस के मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन उनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर किया जाता है। ये आप सभी को याद रखना है, किस बेस पर करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर करते हैं। बढ़ते इसके प्रिंसिपल की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी क्या है इसका प्रिंसिपल? इसे मॉलिक्यूलर सेफ क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। सीव मतलब छिद्र, जिसे हम छिद्र कहते हैं। इस टेक्निक में जैसा कि मैंने पहले बताया, मॉलिक्यूलर साइज में डिफरेंस के बेसिस पर मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन किया जाता है। ये हो गया प्रिंसिपल। इसकी स्टेशनरी फेज कैसी होती है इस जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में? जो कि स्टेशनरी फेज होती है इसकी, वो स्पंज लाइक होती है। स्टेशनरी फेज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हो गया हमारा जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल। बढ़ते हैं जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस की तरफ। क्या है एप्लीकेशंस? सो फ्रेंड्स, ये हमारे जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? इसमें फर्स्ट है हमारा स्पेसिमेंस के एनालिसिस में, यानी कि जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का यूज हम कहाँ करते हैं? स्पेसिमेंस के विश्लेषण में करते हैं। जो भी प्रादर्श हमारे पास होता है, स्पेसिमेन हमारे पास होता है, उसके विश्लेषण में, उसके एनालिसिस में हम इसका यूज करते हैं। सेकेंड क्या है? प्राइमर्स के सेपरेशन में, यानी कि जो प्राइमर्स होते हैं उनके सेपरेशन में जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। थर्ड क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स एंड डाइज के सेपरेशन में, यानी कि जेल फिल्ट्रेशन जो टेक्निक है हमारी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, इसका यूज हम न्यूक्लियोटाइड्स एंड डाइज के सेपरेशन में भी करते हैं। जो डाइज यानी रंजक, जिसे हम रंजक कहते हैं, उसके सेपरेशन में इसका हम यूज करते हैं। फोर्थ क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन में, यानी कि यदि हमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करना है तो उसमें हम जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का यूज कर सकते हैं। इसके द्वारा हम
प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन कर सकते हैं। फिफ्थ क्या है, सैंपल प्योरिफिकेशन में, यानी कि जो भी सैंपल में प्राप्त होता है, जो भी सॉल्यूशन सैंपल हमें प्राप्त होता है उसकी प्योरिफिकेशन में, उसकी शुद्धिकरण में हम जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का यूज कर सकते हैं। ये हो गया इसके एप्लीकेशन, बढ़ते हैं एडवांटेज की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का एडवांटेज, जो कि हमारा एनालिसिस मिनिमम टाइम में पॉसिबल हो जाता है। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी द्वारा हम स्पेसिमेंस का जो एनालिसिस करते हैं वो बहुत ही कम समय में कर पाते हैं, इसलिए यह बहुत ही लाभदायक है। सेकंड क्या है, एग्जैक्ट सेपरेशन पॉसिबल होता है, यानी कि सेपरेशन जो होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होती है, बिल्कुल सही सेपरेशन हम जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी द्वारा कर सकते हैं। थर्ड क्या है, स्पेसिमेन वेस्ट नहीं होता, यानी कि ये जो टेक्निक है उसमें हमारा जो सॉल्यूशन होता है, जो स्पेसिमेन होता है जो हमने लिया होता है उसके अध्ययन के लिए, एनालिसिस के लिए, वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें स्टेशनरी फेज ही मोस्ट होती है, मोबाइल फेज की लेस क्वांटिटी होती है, जो कि इसका फोर्थ एडवांटेज भी है। इसमें मोबाइल फेज बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, इस वजह से स्पेसिमेन जो कि है वेस्ट नहीं हो पाता। ये हो गया हमारा जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का एडवांटेज। आज हमने जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल एप्लीकेशन एंड एडवांटेज के बारे में जान लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे। बाकी सारी क्रोमेटोग्राफी हमारी कंप्लीट हो गई है, बस वही एक रह गया, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक बचेगा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।